हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, 8th क्लास। चैप्टर नेम इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जो धातु और अधातुएं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं? जो भी आपको आपने आसपास नज़र आती है, जो भी चीज़ें, जैसे कि आपके पेन, पेंसिल, चेयर, बुक्स, जो भी आपको अपने आसपास में नज़र आ रहा है, वो सभी क्या है? मटेरियल है। अगर साइंटिफिक बोला जाए कि मटेरियल क्या है, तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मास होगा उनके अंदर और उनको किसी जगह पे रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। मतलब एक तरह से मटेरियल्स आपके हो गए, मैटर को ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। तो मटेरियल्स में भी हमें क्या क्या करना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये। इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में यूजेस क्या हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, उसके बारे में पढ़ना है आपको इसमें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप फैमिलियर होंगे, आपकी जान पहचान होगी कुछ एक मटेरियल्स के साथ, क्योंकि उनको आप क्या करते हो, डेली आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को वो मिलते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि आपको अपने आसपास में दिखाई देते हैं। तो टेबल दी है एक यहाँ पे 4.1, इसके अंदर आपको बोला है कि जो आपको मटेरियल्स नज़र आते हैं उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस को आपको बताना है। कैसे अपीयर होते हैं? वो शाइनी अपीयर होते हैं या डल अपीयर होते हैं? हार्डनेस में आपको बताना है वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड। तो चेक करते हैं क्या क्या पूछा गया है हमें अपीयरेंस और हार्डनेस के लिए। सबसे पहले टेबल के अंदर दिया गया है यहाँ पे आयरन। आयरन, जैसे कि आप जानते हो, आयरन क्या है? एक मेटल है आयरन, और जो मेटल्स है उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है? शाइनी अपीयरेंस होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाइनी। और उसके बाद हार्डनेस के बारे में बताना है आपको। हार्डनेस में यू नो वेरी वेल मेटल्स आर वेरी हार्ड। जो मेटल्स हैं हमारी वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ये तो आप ऑब्जर्व भी करते हो अपने डेली लाइफ के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे वेरी हार्ड। दूसरा देखिए क्या गिवन है हमें, कोल। कोल है आपका, जो हम कोयला यूज़ करते हैं उसी को हम कोल बोलते हैं। अपीयरेंस में इसके अंदर कोई शाइनीनेस नहीं होती, ये कैसा होता है? डल अपीयरेंस होती है इसकी। और अगर इसको हम किसी चीज़ के ऊपर, मान लिया कोई चीज़ मारते हैं इसके ऊपर, हथौड़ा वगैरह मारा जाए तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखिए सल्फर। सल्फर की भी अपीयरेंस डल होती है, और ये भी कैसा होता है? नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे अपने घर पे, वो कैसे होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, और क्या होते हैं? वेरी हार्ड। नेक्स्ट है कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसको हम, ये भी आपका कैसा होता है? शाइनी अपीयरेंस का होता है, और कैसा होगा? वेरी हार्ड। तो हमने इस टेबल को फिल कर लिया है, जिसमें हमें क्या फिल करना था? अपीयरेंस के बारे में, मटेरियल्स के, और उनकी हार्डनेस के बारे में। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि हमारे कौन से मटेरियल्स मेटल्स हैं, और जो मटेरियल्स मेटल नहीं है वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स। देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। आपको उन मटेरियल्स के नाम बताना है जो इसमें आपने मेटल्स यूज़ की है। आयरन है आपका मेटल, एल्यूमिनियम आपकी मेटल है, और कॉपर भी क्या है? आपका मेटल है। अब मेटल्स नहीं है वो कौन है यहाँ पे? कोल है और सल्फर है, क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस डल थी और ये दोनों हार्ड नहीं थे, इसलिए क्या है? दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल्स। तो देखिए आगे, उसके बाद मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मेटल है, ये मेटल नहीं है? उसके लिए, डिफरेंस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल में जैसे भी हमने बात की है, अपीयरेंस में मेटल्स कैसी अपीयर होती है? शाइनी अपीयरेंस होती है। और नॉन मेटल्स कैसे अपीयर होंगी हमारी? डल अपीयरेंस की होंगी। तो हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करके हम, डिफरेंस करके हम बता सकते हैं। तो रिकॉल दैट लश्चर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो लश्चर, लश्चर का मतलब है चमक, और शाइनी बोलते हैं इसको हम, और जो हार्डनेस है, कठोरता, ये कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की।
अब देखिए, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैव यू एवर बीन सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आयरन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शॉल एंड एक्स? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? जैसे कि आपको पता है, ब्लैक स्मिथ होता है आपका लोहार, और जो गोल्ड स्मिथ है वो होता है आपका सुनार. तो देखा होगा आपने लोहार को आयरन पीस के आर्टिकल्स को बीट करते हुए, पीटते हुए. तो पीटने के बाद क्या होता है, जैसे स्पेड है, कुदाल है आपके पास, या फिर आपके पास शॉल है, या फिर कुल्हाड़ी है, तो मतलब कोई भी आपके आयरन आर्टिकल्स हैं, अगर उसको बीट किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बीट करने के बाद, उसको पीटने के बाद उसकी जो शेप है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? क्या अगर आप कोल को भी बीट करते हो, उसको पीटते हो, तो उससे क्या आपको उसके अंदर भी आपको शेप चेंज नजर आएगी? तो देखते हैं हम क्या होगा. एक्टिविटी से बताया इन्होंने, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, आपको एक आयरन नेल लेनी है, एक कोल का पीस लेना है, अ थिक पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर लेनी है आपको, मोटी लेनी है, एंड अ पेंसिल लीड, और पेंसिल का लीड लेना आपको. पेंसिल का लीड क्या होगा, जो इसके अंदर ब्लैक सब्सटेंस होता है ना जिससे हम लिखते हैं, बाहर तो हमारा क्या होता है वुड पार्ट होता है बाहर पेंसिल के, और जो अंदर वाला सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, पेंसिल लीड बोलते हैं. बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, आपको क्या करना है, आयरन आपको दिखाया गया जैसे कि पिक्चर के अंदर, हैमर दिखाया गया आपको, और उसको किसके साथ बीट, हैमर से किसको बीट किया जा रहा है, आयरन नेल को. तो आपको क्या चेंज नजर आएगा, आपको जो आयरन नेल है उसकी जो शेप है उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, चेंज नजर आएगा. अब आपको क्या करना है, अलग अलग आपको आर्टिकल्स जो इन्होंने बोले हैं वो यूज़ करने हैं. आपको एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ करनी है, कोल पीस भी यूज़ करना है, पेंसिल का लेड भी यूज़ करना है. तो आपको इन सभी के ऊपर भी क्या करनी है, हैमरिंग करनी है. हैमरिंग करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा, जो आपका आयरन है और जो एल्यूमिनियम है, जैसे ही हमने उनके ऊपर हैमरिंग किया तो उनकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है. लेकिन जो कोल है और जो पेंसिल का लीड है उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, वो टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर. तो हमें मतलब क्या नज़र आया कि यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर क्या है, डिफरेंस है. नेक्स्ट आपका मिलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स. मिलिएबिलिटी क्या होती है, जब भी आपका जो मटेरियल है अगर उसको हम किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, हैमरिंग करते हैं, जब वो पतली पतली शीट्स के अंदर चेंज हो जाएगी, शीट्स बन जाएगी, उसकी चादरें बन जाएंगी, उसकी मेटल्स की चादर बनेगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे चेक कीजिए कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है और किसके अंदर मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है. सबसे पहले आपको गिवन है आयरन नेल. आयरन नेल जैसे कि आपको पता है लोहे की कील है ये, और लोहे की कील के ऊपर अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी या ब्रेक इन टू पीसेज. फ्लैट मतलब समतल हो जाएगी वो, या फिर उसके कई सारे छोटे छोटे पीसेज बन जाएंगे. तो आपको पता है आयरन के ऊपर जैसे हैमरिंग की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी. दूसरा इन्होंने लिया है कोल पीस. अगर कोल पीस के ऊपर हम हैमरिंग करेंगे तो कोल क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इनटू पीसेस. नेक्स्ट एल्युमिनियम वायर. एल्युमिनियम वायर के ऊपर भी अगर हैमरिंग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. पेंसिल लीड क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा. तो यहाँ से हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी. अब बताया गया कंक्लूजन आपको क्या हुआ है. यू saw that the शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज इन टू द बीटिंग. बीटिंग करने से किस किस की शेप चेंज हो गई है, आयरन नेल की और एल्यूमिनियम वायर की. इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इन टू शीट्स. अगर इनको हम हार्ड बीट करते हैं तो क्या होगा, इनकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और किसके अंदर आ जाएगी इनकी शेप चेंज होने के बाद, शीट्स के अंदर आ जाएगी, चादरों के अंदर आ जाएगी. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट. आपने चेक किया होगा, जैसे काजू कतली खाई होगी आपने, उसके ऊपर क्या होता है, एक पतली सी वायर लगी होती है, सिल्वर फॉयल लगी होती है, चांदी की एक परत चढ़ी होती है उसके ऊपर, और वो देखो कितनी पतली होती है. तो इसका मतलब मेटल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी पतली पतली हम बना सकते हैं.
यू मस्ट हैव ऑल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग द फूड. आप करते भी होंगे, जैसे अपना खाना वगैरह आपको कहीं बाहर जाना है या स्कूल में जाना है तो आप रैप करके लेके जाते हो, और एक चमकदार सी आपकी जो धातु होती है, मेटल है आपकी एल्यूमिनियम, उसके अंदर आप रैप करते हो. तो जो या फिर आप होटल वगैरह के अंदर खाना आपने पैक करवाया हो तो वो भी क्या करते हैं, आपको सेम एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर खाने को रैप करके देते हैं. तो ये जो रैपिंग मटेरियल है आपका एल्यूमिनियम फॉयल, तो एक मेटल ही है वो आपकी, और उसकी कितनी पतली आपने शीट्स को चेक किया होगा. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी. तो ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसकी वजह से उसको हम क्या कर पाते हैं, बीट करके उसको पतली पतली चदरों में चेंज कर पाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी. और ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की. मतलब ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर ही नजर आएगी हमें, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती. जैसे कि अभी हमने ऊपर एक डिस्कस किया था, कोल लिया था हमने, टूट गया था वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर. पेंसिल लीड लिया था, वो भी क्या हो गया था, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया था. As you must have noticed, material like coal and pencil lead don't show this property. वो इस property को show नहीं करते हैं, coal और आपका pencil का lid, क्योंकि वो metals नहीं हैं. Can you hold a hot metallic pan with a which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? आपने देखा होगा जो किचन के अंदर हमारे ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो पीछे एक उनके क्या दिया होता है, एक पकड़ने का हैंडल दिया होता है. और जो हैंडल होता है वो हैंडल आपका मेटल का नहीं बना होता, वो हैंडल आपका किस चीज़ का बना होता है, वो बना होगा चाहे तो आपका वुड का, लकड़ी का हैंडल होगा आपका, जैसे तवा वगैरह देखा होगा आपने. तो जो पीछे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है चाहे तो आपका लकड़ी का हो सकता है या फिर वो आपका प्लास्टिक का बना हो सकता है, और प्लास्टिक भी वो प्लास्टिक जो मेल्ट ना हो, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो इन्होंने बोला अगर आपने कभी ऐसा कोई मेटेलिक पैन यूज़ किया हो और जिसके ऊपर आपके वुडन का और प्लास्टिक का हैंडल ना हो, तो क्या उससे आप आसानी से उसको हैंडल कर पाओगे, कि आपको कोई हर्ट वगैरह नहीं होगा, कि आपको वो गर्म नहीं लगेगा? परहैप्स नॉट, पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा. क्यों? Try to make some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. तो आपको अपने आप से और एग्जाम्पल बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने ऐसे हैंडल्स देखे हैं जहाँ पे आपको प्लास्टिक और वुड के हैंडल नजर आते हो, और जिसका यूज़ आप कहाँ करते हो, गर्म ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए आप करते हो. On the basis of these experiences, you can say that conduction of heat by wood and plastic. क्या आप इस बेसिस पे बता सकते हो क्या कि हमारे जो वुड हैं, जो लकड़ी हैं, जो प्लास्टिक हमने एज अ हैंडल यूज़ किए हैं, तो क्या उनके अंदर हीट कंडक्ट होगी? अगर हीट कंडक्ट होती तो हमें कैसे फील होते, वो गर्म फील होते. लेकिन क्या कभी हमें तवे का जो हैंडल है वो गर्म फील होता है? नहीं होता है. या फिर जो प्लास्टिक के हैंडल जो हम पतीले वगैरह के यूज़ करते हैं, कुकर के जो हैंडल यूज़ करते हैं, क्या हमें कभी वो गर्म फील होते हैं? नहीं होते हैं. इसका मतलब कि जो वुड और जो प्लास्टिक है वो क्या है, आपका एक बैड कंडक्ट of heat, मतलब उसके अंदर से हीट पास नहीं होती. You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? आपने देखा भी होगा कोई भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह आपने, तो उसको वो जो स्क्रू ड्राइवर जो यूज़ करता है, तो जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो भी किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होगा. क्यों बना होगा? क्योंकि आपको पता ही है वो क्या चेक करते हैं, उससे करंट वगैरह का कंडक्शन चेक करेंगे. अगर आपका पीछे भी आपका मटेरियल ऐसा लगा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर वहाँ पे. तो इसलिए क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का. और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है आपका, प्लास्टिक हो सकता है या कोई भी हो सकता है आपका. इन्होंने फिर एक एक्टिविटी से पूछा है आपको, एक्टिविटी देखिए. रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट. आपको चेक करना है कि किसी भी सर्किट के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से बिजली पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है. डायरेक्ट तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के नहीं चेक करेंगे स्विच वगैरह में लगा के. तो उसको हमें क्या करना है, एक सेटअप के अंदर अरेंज करना है, और फिर उसको हमें चेक करना है कि उसके अंदर बिजली पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो यहाँ पे देखिए, एक आपको सेल नज़र आ रहा है, एक बल्ब नज़र आ रहा है, और आपको बीच में क्या नज़र आ रहे हैं, वायर्स नज़र आ रहे हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नज़र आया है, ये हमने लिया है आयरन नेल.
बीच में हमने इसको अरेंज कर दिया है, और जैसे ही आप इसको वायरिंग को प्रॉपर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बल्ब क्या करता हुआ नजर आएगा, ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब जो बीच में हमने ये जो मटेरियल लिया है, क्या है ये, आयरन नेल लिया है, तो इसके अंदर से भी क्या हो रहा, हमारा बिजली पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंडक्टर है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बीच बीच में हम रख के देखेंगे, आयरन नेल रखी है, एल्युमिनियम फॉइल रख लेंगे, या फिर यहाँ पे हम वुडन नेल वुड रख लेंगे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कोल रख लेंगे, जिसको आपको टेस्ट करना है कि ये कंडक्टर है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ से उसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, वो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद दी एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी को आपको पता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म करना है, और आपको चेक करना है कि किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है और किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आयरन नेल, आयरन नेल तो अभी वहाँ पे दिखाया गया आपको, बल्ब ग्लो कर रहा था, तो क्या है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर, सल्फर को लिखो गया पुअर कंडक्टर। कोल पीस, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर, कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल है ये आपकी, तो जो ज़्यादातर मेटल्स हैं आपकी वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही आपको कंक्लूजन बताया गया। अब आगे, यू ऑब्जर्व डेट आयरन नेल, आयरन रोड, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर का मतलब है कि इनके अंदर बिजली आराम से पास हो जाती है। वाइल रोल्ड सल्फर पीसीज एंड कोल पीसीज आर पुअर कंडक्टर। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो सल्फर है हमारा और जो कोल है हमारा, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनके अंदर से करंट पास नहीं होगा। अब देखिए पहली एकदम से क्या है ये बोल रही है यहाँ पे, ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन टू दिस एक्टिविटी वॉज टू शो डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 7th। देखो इन्होंने बोला यहाँ पे कि जैसा कि इन्होंने 6 और 7 क्लासेस के अंदर जो रीड किया है, अब इसको समझ में आ गया है कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और इसके साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. आपने देखा ही होगा, आपने कॉपर की वायर भी देखी होगी, एल्युमिनियम की वायर भी देखी होगी। अपने एल्युमिनियम हम यूज़ भी करते हैं, फॉइल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, कॉपर को हम वायर्स के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्या कभी आपने कोयले की वायर देखी है? डेफिनेटली नोट, हमने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। तो अब उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, जिस प्रॉपर्टी के कारण जो आपकी मेटल्स है उसको वायर फॉर्म में चेंज किया जाता है, तारे बनाई जा सकती है। तो देखिए क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रोन इन टू वायर्स। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली तारे बना सकते हैं, हम वायर्स बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स बनाना, किसका यूज़ करके, मेटल्स का यूज़ करके। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, a plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. देखो आपको क्या बोला है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे आपने लकड़ी ले ली है, वुड ले लिया आपने, कोल का पीस ले लिया आपने, एक मेटेलिक सिक्का ले लिया आपने, जैसे 5 रुपये का सिक्का ले लिया, 2 रुपये का, 1 रुपये का, और एक आपने आयरन की प्लेट ले ली है, एक प्लास्टिक की प्लेट ले लीजिए। आपको क्या करना है, वन बाय वन उसको क्या करना है, ऊपर से नीचे गिराना है आपको, और आपको डिफरेंस चेक करना है कि उनकी साउंड में, गिराने के बाद जो साउंड आई है आपकी, क्या वो सभी की सेम है, सभी ऑब्जेक्ट्स की, या कुछ जो मेटल्स हैं उनकी साउंड कुछ अलग तरह की है। तो इन्होंने यही बोला है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आप से ट्राई करना है, साउंड के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। देखिए उसके बाद, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल। क्या कभी आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं देखी है। कभी स्कूल में आपने देखा है कि लकड़ी की घंटी लगी हुई है आपकी? लकड़ी की घंटी क्यों नहीं लगी होती? आपको यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों नहीं होता, आंसर भी देखिए क्या है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस आर रिंगिंग साउंड वेन स्ट्रक हार्ड। जब भी आपके जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो किसी हार्ड सरफेस से टकराती है, तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड, मतलब एक तरह की आवाज़ बनती है।
Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and other of metal. इन्होंने example बोला, जैसे आपको दो box लेने हैं, same size के लेने हैं, same shape के लेने हैं आपको, और उनकी appearance भी आपको same लेनी है. और एक तो आपको लेना है जो wood का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है, और दूसरा आपको लेना है जो किसी भी metal का बना हुआ है. आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, मतलब आपको हाथ के साथ थप थप करना है. तो आपको देखना है कि किसके अंदर जो आपको जो साउंड है अलग से नज़र आई है, अलग से सुनाई दिया है साउंड, तो उसको उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम यहाँ पे. तो इन्होंने कंक्लूजन बोला यहाँ पे, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. जो ज़्यादातर जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस. सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड, उसको क्या बोला जाएगा, सोनरस बोला जाएगा. अब जो आपने लकड़ी का बॉक्स लिया था वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो आपने आयरन का बॉक्स लिया था वो क्या प्रोड्यूस करेगा, या कोई भी मेटल का बॉक्स लिया था वो प्रोड्यूस करेगा आपका रिंगिंग साउंड. तो ऐसे मटेरियल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं. तो हम बोल सकते हैं मेटल्स शो सोनरस प्रॉपर्टी. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, हमने ऊपर कितनी सारी एक्टिविटीज़ की हैं, कहीं पे हमने कंडक्शन चेक किया है, कहीं पे हमें हीट का कंडक्शन चेक किया, कहीं पे हमें रिंगिंग चेक किया है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी चेक की है, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी चेक की है. तो इनके बेसिस पे हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि जितनी भी मेटल्स हैं हमारी उन सभी की फिजिकल मतलब अपीयरेंस क्या है, क्या उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, हम भौतिक प्रॉपर्टीज़ की विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले आपको पता है मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स क्या है, हार्ड होती है, लश्चरस चमक होती है, मिलिएबल चदरें बनाई जा सकती है, डक्टाइल उनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं पतली पतली, सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स के अंदर से जो उष्मा है वो भी पास हो जाती है, मतलब गर्म हो जाते हैं मेटेलिक कंटेनर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो भी मेटल्स के अंदर से ईजिली पास हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो वो क्या है, मेटल्स हैं. तो अभी यहाँ से आपको मेटल्स की डेफिनेशन बताई गई है, द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. जो भी मटेरियल्स, जो भी ऑब्जेक्ट इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं. फिर आगे आपको मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मेटल्स में आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं. इसके बाद बोला इन कंट्रास्ट, इसके अलावा आपके जो मटेरियल्स जैसे कोल है, सल्फर है, वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, और अपीयरेंस कैसी है उनकी, डल है. और वो उसके अलावा क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पाउडरी मास के अंदर, जब उसको क्या किया जाएगा, हैमरिंग किया जाएगा, जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे वो. एंड दे आर नॉट सोनरस, ना ही उनके अंदर कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं. तो इसलिए ऐसे मटेरियल्स जो ये सभी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल. नॉन मेटल मतलब अधातु बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर. एग्जाम्पल देखिए नॉन मेटल्स के क्या क्या हैं, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे नॉन मेटल्स के. अब उसके बाद देखिए, मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट. आपने अभी ऊपर किया था कि जो हमारे मेटल्स हैं ज़्यादातर हमारी हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन भी आपके मेटल के केस में. कौन सा एक्सेप्शन है, जो कि आपकी मेटल्स होते हुए सॉफ्ट नेचर की होती हैं. तो यहाँ पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, सोडियम और पोटाशियम, ये मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम आराम से चाकू के साथ क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं. तो ये आपका एक एक्सेप्शन है सोडियम और पोटाशियम मेटल का, जो कि क्या है, सॉफ्ट है, मुलायम है ये. मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर. मर्करी भी एक मेटल ही है, और ये मेटल आपकी किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट के अंदर. लेकिन ज़्यादातर जो आपके मेटल्स हैं, जैसे लोहा देखा होगा आपने, तांबा देखा होगा आपने, वो कैसे दिखते हैं आपको, हार्ड नज़र आते हैं, सॉलिड नज़र आते हैं. लेकिन मर्करी आपकी मेटल ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, आपको क्या स्टेट देगी, वो देगी आपको लिक्विड स्टेट. दीज आर एक्सेप्शंस, ये क्या है, कुछ अपवाद हैं, जो कुछ अलग हैं हमारी मेटल्स के कंपैरिजन में. ये सभी हमने अभी किया है यहाँ पे
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आए हैं, मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनरस क्या है, कंडक्टर्स कौन होते हैं, उसके अलावा आपके एग्जाम्पल्स मेटल्स के, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, तो ये सब आप कर लेंगे अच्छी तरह से, राइट डाउन कर लेंगे इसको आप और रिमाइंड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।